सारे बच्चे जो हैं इस वक्त अपनी दादों के पोर्शन में गए हुए नीचे, और मैं जो हूँ वो अपना कावा लेकर टेरेस में जाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे तोते को पता चल गया है कि मैं अब जो है बोल रही हूँ, तो वो कह रहा है तुम क्यों बोलोगी, मैं बोलूँगा पहले। हो गई मेरी ड्रिंक रेडी। A few moments later. चुलबुल पांडे, लो भाग गए। चुलबुल पांडे, ये भी हमारे YouTube का हिस्सा है। और काशान भी? नहीं। अपने टॉयज उठा लो, टॉयज की तरफ पॉटी कर देंगे। इधर पर हाथ में उठाइए, तो बिल्कुल कारपेट के कलर का ही लग रहा है। ये वाला, वो वाला भी, ये वाला प्यारा है। ये लल्ला भाग गया, इधर लेके आओ। ये हाथ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं इसको, फिर छलांग लगा देगा वो। चुलबुल देखो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कशन जाने दो, पीछे जाने दो, नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को इन्जॉय कर रहे होंगे खूब। आज की सुबह का आगाज़ मैंने चिंटू मिंटू के साथ किया है। पहले तो आप सब लोगों को जुमा मुबारक हो, आज जुमा है, तो रमज़ान का आज पहला या दूसरा जुमा है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं इसे खाना खिला रही थी, तो मैंने सोचा आज व्लॉग का आगाज़ यहीं पर कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं इसको खाना खिला के, तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जी, उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमारे यहाँ कूलर लगता है। ये कूलर सिर्फ चलता है मार्च अप्रैल मई, ये तीन महीने सिर्फ कूलर चलता है, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ सब सोते हैं, तो आराम से जो है कूलर में एडजस्ट हो जाता है। इसकी अच्छी खासी ठंडी हवा होती है। फिर आगे के जो तीन महीने होते हैं गर्मी के, उसमें आप एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं, उसमें एसी चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के लिए चलो थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, बाकी ये है कूलर। और फिर हमारा लगता है सबका यहाँ लाइन से बिस्तर। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने रूम में ही सो रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी नहीं फील हो रही है कि मैं कूलर के आगे लेटूँ। हाँ, बच्चे और मेरे मियाँ जी जो हैं वो कूलर की तरफ ही लेटते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा कूलर, छोटा सा तो नहीं है, अच्छा बड़ा कूलर है ये, लेकिन ये कि थोड़ा गर्मी में रिलीफ मिल जाता है इससे। आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ आलू के पकौड़े और पालक और प्याज के पकौड़े। मुझे काफ़ी देर हो गई थी बनाने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। मैंने फ्रूट चाट भी बनानी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं पहले पकौड़े तलने लगी, उसके बाद फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई। इसको ना अपने दोस्तों के साथ खेलो। नहीं नहीं, पिंजरा मत खोलो, इनके मुँह पर लग जाएगा इस तरह से। ये इन्होंने नहीं आना, ये करते हैं कारपेट पे। तूने मेरे सर पे ला के रख दिए बेटा। आपने कहा था पास लाओ। मैंने ये थोड़ी कहा था, मेरे मुंह पर ही ले आओ। मुझे आइस खाना बहुत पसंद है, मैं स्पेशल अपने लिए जमा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है। बर्फ़ खा के ना एक अपना ही मज़ा आता है, ठंडा पानी पी के तो होता ही, लेकिन मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं क्यूब ट्रे जमा के बैठ जाती हूँ और इसकी आइस निकाल निकाल के खाती रहती हूँ। ऐसे देखिए, ऐसे इधर बन रहा है मेरा कावा, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब ये बनने का जब तक वेट हो रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो पकौड़े बचे हैं उनमें से दो तीन पकौड़े खा लेती हूँ, उसके बाद ही इकट्ठा कावा पी लेती हूँ। क्योंकि कावा पीने के बाद ना आपने कुछ भी नहीं खाना है, जब आप कावा पियेंगे ना, और उसके बाद आपने ये सारे अलग अलग चीज़ें नहीं खानी है, या आप ये पहले खा लें उसके बाद आप कावा पिए, तो इसलिए पहले मैं ये थोड़ा दो तीन खा लेती हूँ, फिर मैं कावा पीऊँगी। कावा रेडी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है आपने, क्योंकि बिल्कुल ही ठंडा करके पिए। अब मैं इसको करने लगी हूँ स्ट्रेन में, ये इस तरह से मैंने इसको छान लिया। मेरा दिल चाह रहा था आज कुछ डिफरेंट से कप में ट्राई करूँ, तो ये मेरा कप है, इसके अंदर मैंने डाल लिया ताकि पीने का भी मज़ा आए। अब मैं ये लीमू, जो लीमू के नाम पर बिल्कुल धब्बा है, और मैं इसमें डाल लेती हूँ काली मिर्च। ये काली मिर्च जो है ना, ये आपका फैट बर्न करने में सबसे ज़्यादा आपका काम नहीं, इसका काम अंजाम देती है। ठीक है जी, अब ये हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है और हम पियेंगे इसको टेरेस में। आज हम छत पे नहीं जा रहे। अभी तक तो आपने दिन में मेरा टेरेस देखा था, अब रात में भी टेरेस देख लें आप। पौधे मैंने यहाँ से कुछ हटा दिए, क्योंकि यहाँ बहुत जल रहे थे,
तो इस वजह से मैंने उनकी जगह चेंज करके उनको वहाँ रख दिया है। मेरे बच्चे वहाँ रखे हुए हैं। रात की रानी में फूल अभी तक तो नहीं लगे, लेकिन खुशबू मुझे आ रही है रात की रानी की थोड़ी थोड़ी। और आपको पता है अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए इसमें कैसे चमेली के फूल खिले। वही मैं कहूँ खुशबू आ रही है तो माशाल्लाह से चमेली के फूल खिले हैं। इस पौधे को मेरे पास हो गए हैं कोई 5 महीने, आई थिंक हो गए हैं 5 महीने में ये पहली दफ़ा इसके अंदर फ्लावर लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। मेरे इस चमेली के पौधे को देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया माशाल्लाह से। इसके सारे पत्ते ख़त्म हो चुके थे, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी कि मेरे इस फूल में, इस पौधे में कोई पत्ते फूल कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए आप, माशाल्लाह पत्ते भी लग गए इसके अंदर वक्तन फवक्तन, और माशाल्लाह से चमेली का फूल भी खुल गया, ये भी और ये भी। तो अल्लाह चाहे इंसान के लिए बेहतरी जिसमें हो वो उसको ज़रूर नवाजता है, ज़रूर उसे देता है, उसकी ज़ात बेनियाज है। तो आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा राज यही है कि मेरे इस बेजान पौधे में जान डाल दी अल्लाह ताला ने। बिस्तर लगने लगा है, बच्चे लगा रहे हैं बिस्तर, इस वक्त बज रहे हैं 10 और मेरे मोबाइल का हो रहा है कैमरा ख़राब। मैं ज़रा कैमरा सही कर लेती हूँ। A few moments later. ये अब देखें, अब दिख रहा है ना शानदार था चकाचक सा, कैमरा ख़राब हो रहा था, लग रहा था जैसे उंगलियाँ छप गई हैं। अब बच्चे लगा रहे हैं बिस्तर क्योंकि सहरी में फिर उठना होता है। आपको पता है 3 बजे सहरी, हम 3 बजे सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम हमारा रोज़ा बंद होता है कितने बजे हादिया, 4:20 पे हमारा रोज़ा बंद हो जाता है। और ये बच्चों ने कूलर के आगे बिस्तर लगाना है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कूलर का, तो ये कूलर जब इस तरह से चल जाता है तो बच्चे यहाँ ठंडक में सोते हैं। और ये इन लोगों ने सोफ़ा कम बेड डाला है और अब बिस्तर की तैयारी हो रही है। थोड़े से यहाँ 4-5 चक्कर लगाऊंगी और अपनी ड्रिंक पीऊंगी, और वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टूटा फूटा जैसा भी मैंने आप लोगों के लिए बनाना था बना लिया, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा रूटीन नहीं थी, जो रूटीन थोड़ी बहुत होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज भी जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की आपके साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर सोचेंगे कुछ नया करने के लिए, कहीं कुछ नया जाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, और चंदा मामू को भी देख लें। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।